तो सबसे पहले कैसे हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 9 3 अपॉन 4, उसके बाद 7 2 अपॉन 17, उसके बाद -9 1 अपॉन 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो सामने वाला संख्या है वो हम एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद जो फ्रैक्शन होगा वो एक तरफ कर लेंगे। जिस संख्या के सामने कुछ नहीं होगा वो उसको हम लोग प्लस में पकड़ लेंगे, उसके बाद +9 +7 और -9 होगा, और जो फ्रैक्शन है वह अब हम लोग कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन में जो 3 प्लस 4 है उसके सामने प्लस है इसीलिए वो प्लस में होगा, जो 2 अपॉन 17 है उसके आगे भी प्लस है इसीलिए वो प्लस में होगा, और जो 1 अपॉन 15 है उसके आगे माइनस है इसलिए वो माइनस में होगा। तो गाइस ये -9 प्लस 9 से कट जाएगा। उसके बाद +7 लिख लेते हैं, +7, और ये होगा। अब फ्रैक्शनों का काम कर लेते हैं, ये था 3/4, ये था 2/17 और ये था 1/5। उसके बाद हम लोग एलसीएम कर लेते हैं 4, 17 और 5 का, उसके बाद 15 प्राइम है और 15 और 4 का जो गुना होता है वो 60 होता है, ठीक है। अरे 15 होगा शायद, मैंने गलती से 1 लिख दिया, तो 1 कर लेते हैं, यानी 15 चौका 60 60 और 17 अगर गुना कर देंगे तो वो होगा 1020 यानी 1020 1020। उसके बाद हम लिख लेंगे +7, उसके बाद ये इसके बाद प्लस था नीचे आएगा 1020 यानी 4 से हमें उस 1020 को भाग करनी है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, चार दूने 8, 2 2 22, 4 5 20 और इधर 20, यानी फिर से 255 आएगा ये, और 255 से अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 6 7 यानी 765। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 17 से फिर से डिवाइड करेंगे, जितना होगा ऊपर वाले जो संख्या है उससे हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 17 का काम कर लेते हैं, 17 और ये होगा 1020, इसे मल्टीप्लाई करना है 6 से यानी 17 से 102, ये 00 मतलब 60 बार में होता है, और 60 से अगर 2 को मल्टीपल करते हैं तो आएगा 120, तो यहाँ पे 12 120। उसके बाद माइनस 15 से अगर 1020 को हम लोग भाग करेंगे, 15 से 1020 को अगर भाग करेंगे तो 15 6 90 और ये बचेगा 2 1 0, 15 8 में होगा ये 120 कट जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा 68 68 से अगर 1 को हम लोग गुना करेंगे तो वही होगा, तो वो लिख लेंगे 68। उसके बाद 7 का तो 7 ही रहेगा। अब इन तीनों का हम लोग काम कर लेते हैं, पहले दोनों का प्लस करेंगे उसके बाद 68 को हम लोग घटा देंगे, ये प्लस कर लेते हैं 5 8 8, उसके बाद हम लोग 68 को माइनस कर लेंगे, या फिर ये लाइन लिख सकते हैं हम लोग 885 माइनस 68, उसके बाद नीचे 1020, उसके बाद हम लोग 68 से माइनस कर लेंगे, ये होगा 7, ये होगा 1
और ये होगा 8, यानी 817। तो ऑफ उसके बाद 7 प्लस ऊपर 817 और नीचे 1020, 1020। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं 7817 अपॉन 1020, हम ये भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।